Hello everyone, welcome to Sleepy Classes. We'll start with third lecture of ethics today, right? So moving ahead, ye hamare kuch courses hain. So isme we have the free courses going on, right? Like did you notice sociology optional class at 12, trending topic of the day at 3 aur sabse last mein hamara premix aata hai raat ko 10 baje. Uske saath saath kuch paid courses bhi hai jaise ki mains test series aur prelims test series aur mentorship program aur abhi jo mentorship program hai wo mains oriented hai. Abhi we would be coming up with prelims mentorship program soon as well, right? So moving ahead, जो हम syllabus का component cover करेंगे आज के lecture में वो ये है. That is aptitude and foundational values, right? And we will cover it in the form of six questions and दो parts में होगा, three questions in each part, right? और इसके साथ साथ I would also add the videos जो कि हमारे content videos हैं जो already हमारे channel पे ethics की जो playlist है उसमें से जो कि इस syllabus के components से related होंगे और आप जो ethics की playlist है complete mentorship उसको follow कर सकते हैं for comprehensive coverage of ethics, right? So let's just start with the third lecture. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में. जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह एथिक्स का तीसरा लेक्चर है और आज जो हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो एप्टीट्यूड. एप्टीट्यूड के अलावा जो हमारा जो सिलेबस की जो बात करें तो जो थर्ड टॉपिक है तो सिलेबस है इसका एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टनरशिप, objectivity, dedication to public service, empathy, tolerance and compassion towards the weaker sections. ये आपका थर्ड थर्ड टॉपिक होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज जब आप देखेंगे तो जो इस टॉपिक के जो सब टॉपिक हैं वो भी कई बार आपको डिफरेंट आंसर्स लिखने में काफ़ी आसानी होगी आपको, क्योंकि जो वर्ड इट्स डेडिकेशन एम्पैथी इसके भी डेफिनेशन आप लोगों को याद करना पड़ेगा और बाकी आंसर्स में ये वर्ड अपने आप वहाँ पे आप लिखेंगे तो अपने आप आपका आंसर ऑर्नामेंटल होगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से. आज का क्वेश्चन है कि व्हाट इज एप्टीट्यूड, हाउ कैन इट बी टेस्टेड, हाउ इज इट हेल्पफुल इन सिविल सर्विस. दो कम से कम 20 सेकेंड यदि आपको कुछ भी नहीं आता है आप अपने मन में सोच लीजिए, पॉज दे दीजिए और सोचिए कि एप्टीट्यूड से आप क्या समझते हैं, इसको आप कैसे टेस्ट करेंगे और कैसे ये सिविल सर्विस में हेल्प करती है. दो मिनट का टाइम दीजिए, अपने आप आपको लग जाएगा कि हाँ, कि एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में आ जाएगी भले ही आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी पता ना हो. चलिए इसका स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले हम जैसा कि पहले बताया हुआ कि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और डेफिनेशंस को रटना ही सबसे ज़्यादा आसान माना जाता है. इनको हम कुछ रब कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हौच-पौच हो चुका है तो रब आपका यहाँ पे हो नहीं रहा है. हो गया, चलिए एनीवे. तो जब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं तो इसका डेफिनेशंस है एन एप्टीट्यूड इज डिफाइंड एज ए स्किल, इट इज़ ए स्किल टू एक्वायर सर्टन एबिलिटी थ्रू प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग. प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, एबिलिटी, स्किल, ये सब यहाँ पे आपके कीवर्ड आ रही है. इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल अबाउट फ्यूचर. जो एप्टीट्यूड है इसको फ्यूचरिस्टिक मानते हैं. इसका जो इनहेरेंट जो नेचर है वो फ्यूचरिस्टिक है. फ्यूचरिस्टिक मतलब क्या हुआ, ये भविष्य की तरफ देखता है. अब यहाँ पे सबसे पहले दो तीन आपके जो वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है आपका स्किल, दूसरी आपकी आ रही है एबिलिटी और तीसरा आपका आ रहा है एप्टीट्यूड. तो ये आप ये वाला पॉइंट देखिए, जो स्किल्स हैं वो आपका पास्ट बताता है कि आपने पास्ट में क्या नॉलेज गेन किया हुआ है, आपको आता क्या है, आपको आता क्या था बेसिकली. तो डैट इज़ स्किल. एबिलिटी क्या है कि उन स्किल्स से आपके प्रेजेंट डे में आप क्या काम कर सकते हैं. क्या आपको एक्सेल चलाना आता है, क्या आपको फार्मिंग करनी आती है, क्या आपको गाय दूधने आता है, ये सारी आप, या फिर आपको कैड कैम कुछ भी, या आपकी आपका कम्युनिकेशन स्किल,
ये सारी आपकी एबिलिटीज़ हैं कि आपका इस समय यदि आपको कोई काम दिया जाए तो वो आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, डैट इज़ अ स्किल। उसके बाद फिर आपका आता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड इज़ अ फ्यूचर कि इसको कैसे डिफाइन, कि आपके पास क्या वो क्वालिटी है कि आप फ्यूचर में क्या कर पाएंगे। इन अ वे एप्टीट्यूड को आप, एप्टीट्यूड के बारे में ये बोला जाता है कि ये इनेट होता है, ये बाय बॉर्न होता है, आप जन्म के साथ ही इसको लेके पैदा होते हो। फॉर एग्जांपल जैसे तेंदुलकर है, वो एक ही काम के लिए पैदा हुआ है, बैटिंग करने के लिए, वो क्रिकेट खेलने के लिए, वो उसका एप्टीट्यूड था और उसको बचपन में ही वो एप्टीट्यूड दिख गया था उनके जो जान पहचान वाले हैं, तो वही एप्टीट्यूड को होन किया गया कि जिससे वो कंपिटेंट हो जाए उस फील्ड में। बोलने का मतलब है कि ये बताता है कि व्हाट अ पर्सन कैन डू, कैन क्या उसके अंदर क्वालिटी है कि वो क्या कर पाएगा। इट इज अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, ये आपकी, आपका सुपर इम्पोज एबिलिटी नहीं है, ये एक इनहेरेंट है। अब जैसे बताया जाता है कि मछली के बच्चे को आपको तैरना नहीं सिखाते हैं, तो लेकिन एप्टीट्यूड क्या करेगा, जब आप जान रहे हैं कि उसकी क्वालिटी तैरना है तो उसको उस तैराकी की जो उसकी जो नेचुरल एबिलिटी है उसको वो हॉन करेगा। कैसे हॉन करेगा, ट्रेनिंग से। तो ट्रेनिंग देखने के बाद क्या होगा कि वो और अच्छा तैराक हो जाएगा, वो ऐसा तैराक हो जाएगा कि चाहे उस कि वो वर्ल्ड का बेस्ट तैराक हो, तो डैट इज़ कॉल्ड एज एप्टीट्यूड। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि एप्टीट्यूड सिविल सर्विसेज में क्यों ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी होता है एप्टीट्यूड, क्यों ज़रूरी है ये हम बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए डेफिनेशन, ये आपका स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया, एंड एप्टीट्यूड इज डिफाइंड एज ए स्किल टू एक्वायर सर्टेन एबिलिटी थ्रू प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। लेकिन ये इंपॉर्टेंट, यदि आप में नेचुरल एबिलिटी नहीं है तो क्या आप, जो इंडिया में होता है कि मछली के बच्चे को आप बोलोगे कि जी आप सबसे फास्ट रनर बनो, और उसको आप चाहे कितनी भी फास्ट रनर बनो, लेकिन उसको आप कितना भी ट्रेनिंग दे दो, कितना भी कुछ भी कर दो, लेकिन वो नहीं बन पाएगा। तो क्योंकि उसके अंदर, मछली के बच्चे के अंदर रनिंग की एप्टीट्यूड नहीं है, रनिंग की एबिलिटी नहीं है, तो आप कैसे आप उसको रनर की तरफ देखना चाहोगे। तो डैट इज़ कॉल्ड प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग, इसलिए जुड़ी होती है। यदि ये डेफिनेशन आपको टफ लग रहा है, याद करने में दिक्कत हो रही है, तो सीधा आप यहाँ पे आ जाइए। इट इज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, इट डिफाइंस व्हाट अ पर्सन कैन डू, इट इज़ यूज टू चेक द पोटेंशियल। बस इतना लिखिए, उसके बाद ये एक आपका जो डायग्राम है इसको आप यूज कर लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपका आंसर डायग्राम वे में ज़्यादा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो ये रहा, अब आगे की तरफ हम लोग यदि बढ़ते हैं, तो जैसे अब इस पॉइंट पर ये एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम ट्रेनिंग, ये हम आगे एक क्वेश्चन करने वाले हैं कि ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट होता है, आइए मतलब कि कभी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ट्रेनिंग का क्या बेनिफिट होता है, ट्रेनिंग किसको दिया जाए, ट्रेनिंग कब दिया जाए, और क्या ट्रेनिंग देने से हमेशा आपको फ़ायदेमंद होता ही होता है। तो इसके क्वेश्चन करेंगे, इसके डिफरेंट एस्पेक्ट बता रहा हूँ कि ट्रेनिंग से, अब जैसे अब इसलिए बोलते हैं जो यूपीएससी की जो एज होती होनी चाहिए वो आइडियली वो लोग 25-26 साल बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि आप 35 साल के बूढ़े, जो 35 साल के जो जाते हैं, जो जिनको मैं बुजुर्ग ही बोलूँगा, उनके अंदर एबिलिटी टू होन देयर स्किल काफ़ी कम हो जाती है। तो ट्रेनिंग का एक जो ट्रेनिंग से यदि उसका बेस्ट आउटकम यदि देखना चाहेंगे तो उसके लिए कि राइट एज भी होना बहुत जरूरी है। तो ये एक क्वेश्चन बाद में करेंगे कि ट्रेनिंग के ऊपर, आज के लिए ये तो यही लिखेंगे कि एबिलिटी टू बेनिफिट फ्रॉम ट्रेनिंग। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मछली के बच्चे और रनर का, तो हर एक कोई को आप ट्रेनिंग ट्रेन करके ट्रेन नहीं किया जा सकता है। ट्रेन आप एक स्पेसिफिक जो क्वालिटी है उसके ऊपर ही आप बंदे को ट्रेन करना पसंद करोगे। तो अब दूसरी बात आती है, इट कुड बी बोथ फिजिकल एंड मेंटल एप्टीट्यूड। इसीलिए आर्मी जब भर्ती करती है तो आपने देखा होगा कि पहले बोलते हैं कि दौड़ो, फिर छाती नापती है, क्यों, क्योंकि फिजिकल, उनको वो फिजिकल एप्टीट्यूड वाला बंदा चाहिए, कि इतना क्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए। यदि कोई आदमी, समझ लो यदि कोई आदमी खुद ही 40 किलो का हो तो क्या वो 20 किलो का बैकपैक उठा पाएगा और 60 किलोमीटर की ट्रैक कर पाएगा,
बिल्कुल नहीं कर पाएगा, इसीलिए ये एक क्वालिटी है, फिजिकल एस्पेक्ट को देखता है। दूसरा मेंटल, मेंटल के बारे में आगे भी बात करेंगे कि मेंटल जो एबिलिटी होती है वो कई टाइप की होती है, किसी का लॉजिकल रीजनिंग अच्छा होता है, किसी का वर्बल एबिलिटी अच्छी होती है, किसी की एनालिटिकल एबिलिटी अच्छी होती है, तो डिफरेंट प्रोफेशन में डिफरेंट चीज़ों की क्वालिटी होती है, डिफरेंट क्वालिटी की ज़रूरत होती है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ता है कि आदमी का या किसी भी का, किसी का भी क्या उसका एबिलिटी है, क्या उसका एप्टीट्यूड है, और फिर उसको उस हिसाब से उस हिसाब को ट्रेनिंग दिया जाता है। अब एप्टीट्यूड वही बात है, आपको कोयले और एक ही चीज़ का राम कहानी हो रही है, कोयले और डायमंड के बीच में डिफरेंशिएट करना बताता है, ठीक है। अब ट्रेनिंग से, अब ट्रेनिंग का एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है आपका, एप्टीट्यूड प्लस ट्रेनिंग इज इक्वल टू कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस कब आती है, कॉम्पिटेंस क्या होता है? कॉम्पिटेंस ये होता है कि कोई भी आदमी यदि वो काम करे तो उसमें सक्सेसफुल होगा, डैट इज कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस को एक और वे में आप डिफाइन कर सकते हैं कि आदमी अपना जो काम है वो बहुत ही नीट और क्लीन वे में कर पा रहा है, बिना किसी गाइडेंस के कर पा रहा है, बिना किसी प्रेशर के कर पा रहा है, और उसमें उसका नेचुरल एबिलिटी उसका झलकता है, तो वो कॉम्पिटेंस आपके पास एप्टीट्यूड होगा, बट कॉम्पिटेंस लाने के लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे बारे में, मैं कभी भी टीचिंग लाइन में नहीं आना चाहता था क्योंकि मेरे को बहुत बोरियत वाली काम लगती है, बट जो मेरे दोस्त वगैरह हैं वो ये बोलते हैं कि नहीं, आपको वीडियो डिलीवर करना है बिकॉज आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है, और फिर जब मैं अपने आप को ट्रेन करूँगा तो इसमें कॉम्पिटेंट हो जाऊँगा। तो सिमिलरली जब आगे देखेंगे, जब UPSC का होता है तो कोई UPSC का जो पेपर है वो आपकी एप्टीट्यूड को टेस्ट कर रही होती है, और वो आपको कॉम्पिटेंट 2 साल का या 3 साल का जो मसूरी या फिर आगे का जो फर्दर डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होती है उससे वो आपको कॉम्पिटेंट बना देती है, तो डैट इज कॉल्ड एज कॉम्पिटेंस। फिर ट्रेनिंग के साथ एक ये फॉर्मूला RTM जो हम ट्रेनिंग के पार्ट में देखेंगे, डैट इज, एक सेकेंड पहले कुछ मिटा दूँ, काफ़ी हॉचपॉच हो चुका है तो ये थोड़ा सा जगह साफ करना पड़ेगा, ये ठीक है। चलिए अब यदि करें तो ट्रेनिंग में RTM का मतलब हुआ रिक्रूट, फिर ट्रेन, देन मॉनिटर, ये 3 चीज़ें हैं जिसमें एक ओवरऑल ट्रेनिंग का एस्पेक्ट आपको ये दिखा रहा है कि पहले आपको राइट क्वालिटी के बंदे को रिक्रूट करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद उनको ट्रेन करना पड़ेगा, फिर ट्रेनिंग के वक्त उनको मॉनिटर भी करना पड़ेगा कि यदि वो गलत कर रहे हैं तो कहाँ बताया जाए कि आप भाई साहब यहाँ गलत हो, आप यहाँ गलत हो। कई बार ये देखा जाता है कि बंदों के पास IQ बहुत ज़्यादा रहता है और ट्रेनिंग के वक्त उनकी बैंड बच जाती है, तो फिर इसलिए मॉनिटर करके उनको निकालना ही पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि NDA वगैरह में भी कई लोग जाते हैं फिर निकाले जाते हैं, UPSC में तो कम होता है बट NDA हो गया, CDS हो गया, या फिर आर्मी की एक हायर लेवल ट्रेनिंग होती है, ऑफिस मैं भूल रहा हूँ, चेन्नई में होती है कहीं भी, जहाँ पे एलीट कमांडो ग्रुप के लिए होता है, पर तो उनकी सिलेक्शन होती है, फिर यदि नहीं वो उस टाइप का प्रेशर झेल पाते हैं फिर उनको बोला जाता है कि टाटा सर बाय बाय, आप नहीं फिट हैं, तो ठीक है, पहले आप बता देते हैं कि आप नहीं फिट हैं, आप कुछ और काम करिए या फिर आप कम लेवल का स्ट्रेस लीजिए। यदि आर्मी का ही बात करें, यदि कोई लेवल स्नाइपिंग में कोई आदमी स्नाइपिंग में एकदम फर्स्ट क्लास एकदम परफेक्ट है, तो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं वो तोप भी चलाए, तो ये अन्याय है उस आदमी के प्रति, तो ये रहा। तो चलिए और एक और बता दें, एक और चीज़ जो आप कभी भी आंसर में हमेशा लिख सकते हैं वो आप, जैसे लास्ट पॉइंट है इसका, उसको आप देखिए, लास्ट पॉइंट है आपका एप्टीट्यूड प्लस एटीट्यूड इज एल्टीट्यूड। एटीट्यूड अभी हमने नहीं कर किया है, एटीट्यूड मैं बाद में करूँगा, क्योंकि ये थोड़ा पहले लास्ट लेक्चर में बताया था, ये थोड़ा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को देखता है और इसकी इंटर लिंकेजेज भी बहुत कम है, यहाँ पे आ रही है बट कम है, तो वो हम बाद में देखेंगे कि कैसे क्या होता है एटीट्यूड और कैसे उसको किया जाए। आज के लिए, अभी के लिए आप यही याद रखिए, यदि आपका एटीट्यूड ठीक है और आपके अंदर वो एप्टीट्यूड है तो आप एल्टीट्यूड शिखर तक पहुँचेंगे किसी भी प्रोफेशन में, आपको एपिटमी अचीव करने में कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एप्टीट्यूड को डेफिनेशन को बताती है, और उसके डिफरेंट टाइप के डेफिनेशन है और डिफरेंट टाइप के उसके एस्पेक्ट हैं। तो क्या हुआ डेफिनेशन, यदि आप ये रट्टा मार रहे हैं
वैसे तो मैं बोलूँगा कि रट्टा मार लीजिए, क्योंकि ये ओवरऑल मतलब कि होलसम है, पूरा अपने आप में ये डेफिनेशन कंप्लीट है। यदि नहीं मार पा रहे हैं तो आप यहाँ से जाइए, द एप्टीट्यूड इज अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग, इट डिस्क्राइब्स व्हाट ए पर्सन कैन डू, इट चेक्स द पोटेंशियल ऑफ ए पर्सन, और फिर बना दीजिए इट नॉट ओनली इट स्किल्स एबिलिटी एंड एप्टीट्यूड का ये बना दीजिए, और बस यहाँ तक लिख के आपका डेफिनेशन हो गया। और ये सब जो आपके एस्पेक्ट हैं, ये आपकी दो तीन लाइन जो ऑर्नामेंटल का होता है, ये ऑर्नामेंटल में भी आपके आंसर को ऑर्नामेंट देने में हेल्प करेंगे, बट क्रस जो है आपके आंसर का, आपका आंसर का ये रहेगा ऊपर वाला पार्ट। चलिए अब नेक्स्ट चीज करते हैं, हाउ कैन इट बी टेस्टेड। तो भाई साहब, अब जैसे मैंने बोला था कि एप्टीट्यूड आपका इनेट है, इनेट क्वालिटी मतलब कि आपको जन्म से आ जाता है कई बार, तो जब भी आपका जन्म से आएगा तो फिर उसको टेस्ट करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो तो है ही, और उसका जो सबसे बेस्ट जो चेकिंग होती है वो आपका जो पीयर ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप मतलब कि आपके जो आने जाने वाले आपके दोस्त या फिर फ्रेंड्स, टीचर्स, फैमिलीज, इंक्लिनेशन, ये सारे इनफॉर्मल टेस्ट आप बोल सकते हैं, इनफॉर्मल वे में कि कैसे एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई किया जाए। इसमें एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि इसमें टीचर्स का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि पेरेंट तो समझते हैं कि मेरा बेटा चीता है, उसने UPSC टॉप करना है, हर एक बच्चा हर एक बाप अपने बेटे के बारे में यही समझता है कि वो तो जी बस शानदार, लाजवाब, उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है, मेरा पुत्र। फिर लेकिन इसमें टीचर्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज टीचर्स आर द रियल व्हाट यू से, दे आर द रियल फाइंडर द जेम इन यू। टीचर्स को पता होता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, आपका ओरिएंटेशन किधर की तरफ है, बट इंडिया का, अनफॉर्चुनेटली इंडिया में क्या है, स्टूडेंट टीचर रेशियो बहुत ही पैथेटिक है, तो उसके कारण टीचर एक बच्चे का वो जो क्या बोलते हैं ओवरहॉल, सर्वांगीण जो विकास होता है वो नहीं देख पाता है, मैं शायद इसको ठीक से नहीं लिख पा रहा हूँ, तो बट मुद्दा ये कि उसको कंप्लीट वे में उसको नहीं देख पाता है, उसको एनालाइज नहीं कर पाता, बिकॉज बच्चे ही इतने हैं, आपके 100 स्टूडेंट हैं एक क्लास में, तो क्या ही देखेगा, तो इसलिए यही होता है। लेकिन जर्मनी वगैरह में देखेंगे, जो हम लेंगे जो जब हम जर्मनी के एग्जांपल देंगे तब हम बताएंगे कि कैसे रोल ऑफ टीचर्स एप्टीट्यूड चेक करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उसके अलावा फ्रेंड्स हो गया, फैमिली होगी, लाइकिंग होगी, इंक्लिनेशन हो गया। अब जैसे कई स्टूडेंट हैं, कई बच्चे हैं जिनको खेलने का ज़्यादा शौक होता है, वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो नहीं पढ़ पाते हैं तो फिर उनको क्यों ज़बरदस्ती पढ़ाया जाए। जैसे मेरा भाई है, उसको ही इज़ अ कम्प्लीट अपोजिट ऑफ व्हाट आई एम, तो फिर उसको फिर क्या ऑप्शन बचता है कि उसको पढ़ाने के लिए फोर्स मत किया जाए उसको, फिर उसका यदि जिधर उसका रुचि है, जिधर उसका इंक्लिनेशन है, उसको उधर की तरफ धकेला जाए, तो फिर वो आजकल बिजनेस कर रहा है एनीवे। तो ये इनफॉर्मल टेस्ट बहुत जरूरी है, बट इंडिया का अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी ऐसी है, या फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, या फिर इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, और स्टूडेंट टीचर रेशियो भी बहुत कम है, तो ये चीज़ थोड़ी सी कम हो जाती है, बट अब आने लगी है धीरे धीरे। आप देख रहे हैं कि कई आदमी अपने फोटोग्राफी को कैरियर के तरफ बढ़ रहे हैं, कई आदमी फैशन डिजाइनिंग की तरफ देख रहे हैं, जो 1990s में अनसुना टाइप का था। तो चीज़ें चेंज हो रही हैं, इतनी भी नहीं है कि नहीं चेंज हो रही हैं, बट धीरे धीरे हो रही हैं। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए आपका था फॉर्मल टेस्ट, सी सैट, कैट, क्लैट, जिसको मैं सही पैमाना नहीं माना जाता है, ना मैं मानता हूँ ना साइंटिस्ट मानते हैं कि ये प्रॉपर वे में एप्टीट्यूड को आइडेंटिफाई कर पाता है कि नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी ठीक है। अब जैसे कैट है, अब कैट निकालना तो अपने आप में ही काफ़ी कष्टप्रद होता है, वो अब जिनकी नेचुरल एबिलिटी है वो आराम से निकाल लेते हैं, क्योंकि अब यही होना भी चाहिए, जिनकी नेचुरल एबिलिटी है, जिसका जो बॉल गेम है वो उधर जाए। अब जैसे UPSC है, UPSC कम्प्लीटली यदि कोई बोले ये IQ का गेम है कि इसमें इंटेलिजेंट बंदे आते हैं, नहीं, ये मैं इस तर्क से तो मान ही नहीं सकता। लेकिन यदि वहीं पे बोले EQ का गेम है, बिल्कुल आप अपना जॉब छोड़ के अपने मन से एक इधर अपने आपके अपना ड्रीम परस्यू कर रहे हो, और उसमें जब आपको धक्के लगते हैं तो आपको इमोशनल सेटबैक होते हैं,
लेकिन फिर भी आप बारंबार प्रयास करते हो, आप उठते हो, आप गिरते हो, उठते हो, फिर से आप ट्राई करते हो, तो ये चीज़ आपका EQ दिखाता है कि आप कितने इमोशनली स्टेबल हो। प्लस इसमें ये दिखाता है कि आप कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, क्योंकि कोई भी आदमी नेचुरल वे में इतना ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रख पाता है। तो कैसे आप इमोशनल स्टेबल हो, कैसे आप अपने फैमिली को मैनेज कर पा रहे हो, कैसे आप अपने पर्सनल लाइफ को मैनेज कर पा रहे हो, और आपके पेट में, आपके जेब में एक भी पैसा नहीं होता। तो ये सब चीज़ें UPSC की खासियत। इसलिए मैं हर एक आदमी जो भी मेरे से पूछता है कि UPSC की तैयारी करे या ना करे, मैं सबको बोलता हूँ कि ज़रूर करिए। या दो ही ऑप्शन होंगे, या तो आपका लिस्ट में नाम आएगा, नहीं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो यदि मोक्ष भी चाहिए तब भी आप UPSC की तैयारी कर सकते हैं। एनीवे, लिख से हटके हुए फिर तीसरा पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन का केस स्टडीज। केस स्टडीज क्या हुआ, आपको सर्टेन सिचुएशन दे दिया जाएगा और फिर आपको देखा जाएगा कि आप कैसे परसीव करते हैं, कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं, उस हिसाब से फिर आपको बताया जाता है कि आप फिट हैं कि नहीं फिट हैं इस सर्विस में। तो ये अब जैसे आर्मी का SSB का होता है एग्ज़ाम, यदि आप लोगों से किसी का सुना भी होगा, तो उसमें वो वही करते हैं, आपको केस स्टडीज देते हैं और फिर बोलते हैं कि बेटे बताओ क्या समझे। तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है जानने का कि कैसे आदमी का एप्टीट्यूड टेस्ट करना चाहिए। चलिए, तो अब हम बात करते हैं कि हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन सिविल सर्विसेज, मुद्दे की बात करते हैं, थर्ड पॉइंट था। तो सिविल सर्विसेज में कैसे हेल्पफुल है, तो इसका सबसे ये बताता है कि आप कंपिटेंट हैं कि नहीं है सिविल सर्विसेज में। यदि आपके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि IAS और IPSC सब कुछ है, बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं और काफ़ी सक्सेसफुल भी हैं। तो यदि आपके अंदर कंपिटेंसी नहीं है तो आप छोड़ दीजिए, ठीक है, टाटा बाय बाय, कुछ और करें। तो ये बताता है कि आप पहले बता देता है कि ये बंदा सिविल सर्विसेज के लिए कंपिटेंट है कि नहीं है। उसके बाद कॉन्सेप्ट है फ्लूड इंटेलिजेंस का। ये मैं बोलूँगा कि हमारा एथिक्स का जो पुराना जो मॉड्यूल आप देखेंगे उसमें एप्टीट्यूड का एक टॉपिक होगा, वो आप ज़रूर देखिए। वहाँ पे फ्लूड इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो काफ़ी अच्छे से बताया गया है, बहुत ही इलेबोरेट वे में बताया गया है। तो मटेरियल मैंने ही बनाया था, डिलीवर किसी और ने किया था, तो वो आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको फ्लूड इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चलेगा। यहाँ पे ये बता सकता हूँ कि फ्लूड इंटेलिजेंस के बारे में कि ये आपका कंपिटेंस चेक करता है, ना कि अचीवमेंट ओरिएंटेड है। मतलब क्या हुआ कि फ्लूड इंटेलिजेंस हुआ कि आप के पास जो इंटेलिजेंस है एक पर्टिकुलर पॉइंट में कैसे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कैसे उसको यूज कर पा रहे हैं इन। और अचीवमेंट वे से क्या हुआ, जैसे अब UPSC क्या चाहती है, UPSC चाहती है सिविल सर्विस में क्या चाहता है कि हमारे पास फ्लूड इंटेलिजेंस वाले बंदे आए जिनका इनोवेटिव थिंकिंग हो, जिनके पास प्रैक्टिकल अप्रोच हो। लेकिन होता क्या है, अचीवमेंट बेस्ड हो जा रहा है, बिकॉज हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, आप भी आए ही हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं और हम लोग आपको रटा दे रहे हैं कि ये रट लो, ये कर लो, प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो इंटेलिजेंस है, आपकी जो सक्सेस, वो अचीवमेंट बेस्ड हो जा रही है। UPSC को ये नहीं चाहिए, इसीलिए आप हर एक बार देखेंगे इनका, जैसे इस बार का GS जो प्री का भी जो टेस्ट था, या फिर जो मेंस के भी सवाल देखेंगे, इनके सवाल हटके होते हैं। आप इंटरव्यू में जाएंगे, इंटरव्यू में चाहे कितना भी मॉक दे लें, आपका जो वो जो सवाल पूछेंगे वो थोड़े हटके होते हैं, तो वो थोड़े लीक से हटके होते हैं। तो UPSC हमेशा चाहता है कि फ्लूड इंटेलिजेंस वाले बंदे आएँ जो अपने आप को प्रैक्टिकली विदाउट एनी स्ट्रेस और विथ इनोवेशन उस सिचुएशन में हैंडल कर पाए। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से, ये काफ़ी एक मतलब कम से कम 15 मिनट ले लेगा समझाने में, इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप एथिक्स वाले मॉड्यूल में जाइए और वहाँ का जो एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है उसको देखिए, वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा फॉर्डर मटेरियल मिल जाएंगे। एथिक्स आपका स्टैटिक सिलेबस है, यहाँ पे एथिक्स आपका स्टैटिक्स जो सिलेबस है वो स्टैटिक है, और यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि यदि लास्ट ईयर पढ़ाया गया तो इस साल वो इरेलीवेंट हो जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो एनीवे,
तो ये हुआ हाउ इज इट हेल्पफुल इन सॉल्विंग नॉरल प्रॉब्लम्स। नॉरल प्रॉब्लम्स मतलब आपके पास जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आपके पास नए नए प्रॉब्लम आएंगे जिसने ना पहले कभी सुना होगा ना कभी जाना होगा, तो आप कैसे अपने आप को अप्लाई कर पाते हैं? तो उस समय यदि आपके पास एप्टीट्यूड है तो आप जरूर अप्लाई कर पाएंगे। अब हर एक केस डिफरेंट होगा एनीवे। तो उसके बाद आइडेंटिफाइंग पैटर्न्स, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल करप्शन का केसेस है आपके पास आया, आपको पैटर्न आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ से कहाँ गया है, कहाँ पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है, फिर इस पैसे का यूज कहाँ पे हो गया। मतलब कि एक आपको जिग-सॉ पजल आपने सॉल्व करनी है इन अ सिंपल वे यदि बोले तो। पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में सिविल सर्विसेज हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे एप्टीट्यूड यही हुआ कि जैसे रोल ऑफ कैप्टन इन अ टीम और कमांडर इन अ वॉर, अब किसको बॉलिंग करनी है, स्पिनर लाऊं या फिर फास्ट बॉलर लाऊं, कौन सा पिच कहाँ पे करूं, क्या करूं नहीं करूं, ये सारी चीज़ें आपको एप्टीट्यूड प्रोवाइड करता है। वही सेम चीज़ कमांडर इन अ वॉर, तो आप इसको, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बेटर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑफकोर्स यदि एप्टीट्यूड होगा तभी आप एक ओवरऑल बर्ड्स व्यू ले पाएंगे और जो भी आपके पास रिसोर्सेज है उसको बेटर प्लान मॉनिटर एग्जीक्यूट कर पाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी एप्टीट्यूड के बिना, सिविल सर्विसेज में जो लीडरशिप क्वालिटी तो आपको चाहिए ही चाहिए, तो ऑटोमेटिकली यदि आपके पास एप्टीट्यूड है और वो सिविल सर्विसेज में आपको लीडरशिप क्वालिटी को प्रमोट करने में हेल्प करती है। अब आइए कुछ फॉरवर्ड पॉइंट पे। फॉरवर्ड पॉइंट मतलब कि आप इसको इसमें भी यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। जैसे नहीं होता कि अखबार पढ़ते पढ़ते आपने कुछ एग्जांपल देख लिया और बताएंगे कि अच्छा मैं इसको यहाँ यूज कर सकता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ये तीन आपके इंडियन फॉरेन सर्विस का मैंने क्यों दिया, बिकॉज जो अभी प्रजेंट क्राइटेरिया यूपीएससी का वो करेक्ट एप्टीट्यूड के बंदे को फॉरन सर्विस में नहीं ला पा रहा या आईपीएस में भी नहीं ला पा रहा। इनकी जो एप्टीट्यूड जो मांगती है ये डिफरेंट है और जो यूपीएससी जो चेक कर पा रहा है वो इनसफिशियंट है। इसीलिए मिस्टर शशि थरूर ने भी बताया हुआ है कि कैसे क्या किया जाए। वो तो सीधा बोलते हैं कि एक डिफरेंट पेपर लो जी आईएफएस के लिए, ये सेम पेपर काम का नहीं है आईएफएस में आदमी आने के लिए, जिस चीज़ को मैं तहे दिल से मानता हूँ क्योंकि मेरी पहली प्रेफरेंस आईएफएस हुआ करती थी। एनीवे उसके बाद आईपीएस का भी सेम है, आपको निडर फियरलेस आदमी चाहिए, आपको ऐसा आदमी चाहिए कि जो एकदम 24/7 अवेलेबल हो, जो लीड फ्रॉम द फ्रंट करे। बट जो यूपीएससी का जो करंट पैटर्न है उससे ये चीज़ नहीं हो पा रही है। उसके बाद जर्मनी का एग्जांपल, ये एग्जांपल इसलिए मैं दे रहा हूँ बिकॉज जैसे मैंने बताया था कि एप्टीट्यूड आपका इनेट है इनबॉर्न है, तो जर्मनी में क्या होता है, जर्मनी में क्लास फिफ्थ या सिक्स्थ में ही बच्चे की जो क्वालिटी है वो पता कर ली जाती है और फिर उसको उसी हिसाब से वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। तो जर्मनी जो है वो बेस्ट टेक्निकल फील्ड के लिए माना जाता है, बेस्ट प्लेस उनकी। आप राइफल भी देखिए, राइफल भी बहुत अच्छी होती है उनका। आप मैन्युफैक्चरिंग देखिए, बहुत सॉलिड मैन्युफैक्चरिंग है उनके। आप कैसल देखिए, कैसल कितने पुराने बने हुए, बहुत तगड़े सॉलिड बने हुए हैं। एनीवे तो जर्मनी इसलिए बहुत ज़्यादा आपका एग्जांपल में कोट कर सकते हैं। और यहाँ पे रोल ऑफ टीचर, बिकॉज क्लास फिफ्थ में कौन आएगा, टीचर ही आएगा जो मैं पहले बता रहा था आपको। तो टीचर का रोल बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो एप्टीट्यूड एक बंदे के अंदर निकाले कि वो बंदा किस फील्ड में सक्सेस होगा। तो ये यहाँ आता है रोल ऑफ टीचर, ये दोनों इंटरलिंक किए थे। तो चलिए इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। थोड़ा सा लंबा टाइम ले लिया है, लेकिन यदि एक रिवीजन देना चाहें कि व्हाट इज एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड को आप बता सकते हैं, दो वे हैं, या तो ये याद रखिए या फिर ये दो। हाउ इज इट हेल्पफुल, हाउ कैन इट बी टेस्टेड, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, इनफॉर्मल और फॉर्मल, केस स्टडीज भी होता है, रोल ऑफ टीचर का इसमें, रोल ऑफ टीचर्स, फ्रेंड फैमिली लाइकिंग, ये सब ज़्यादा आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट होता था बिकॉज मेरा एक फ्रेंड था जिसको एग्रीकल्चर पसंद है। अब उसको जैसे एग्रीकल्चर करना पसंद है ऐसे ही कम होते हैं, लेकिन उनके माँ बाप ने बोला कि नहीं, कैसे, वो यूएसए गया, मॉर्गन स्टैनली में काम कर रहा था, वहाँ से उसने पढ़ाई करी, मॉर्गन स्टैनली में उसने काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एप्टीट्यूड एग्रीकल्चर की तरफ था, तो वो नौकरी छोड़ छाड़ के आया।
फिर यहाँ पे बताया कि जी नहीं जी तुम यूपीएससी की तैयारी कर लो, फिर इसीलिए फिर हम दोस्त भी बने। लेकिन फिर यूपीएससी को भी उसने लात मारते हुए 2 या 3 अटैम्प्ट दिया था, 3 मेंस लिखे हैं उसने, फिर लात मारते हुए फिर अभी वो एग्रीकल्चर ही परस्यू कर रहा है और काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो ये होती है आपकी मतलब आइडेंटिफिकेशन। इंडिया में यदि आप बोलो अपने पेरेंट्स को, खासकर हिंदी हार्टलैंड से, कि जी मैंने खेती करनी है, तो आपको लाठी मारेंगे और अच्छे से मारेंगे, अच्छे वाले मारेंगे, कम वाले नहीं मारेंगे। हाउ इज इट हेल्पफुल इन सर्विस, सिविल सर्विसेज, ये कुछ पॉइंट है आप अपने से भी कुछ यूज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या आप सोच सकते हैं कि यहाँ पे जेंडी रेट या साइटर आर्ट लग सकता है? सोचिए और फिर बताइए कमेंट सेक्शन में कि लग सकता है कि नहीं लग सकता है। जरूर लग सकता है, ये आप ही ऊपर है कि आपने लगाना है कि नहीं लगाना है। मैंने इसलिए नहीं लगाने, मैंने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया बिकॉज फिर आप बोलेंगे कि सर हर एक जगह जेंडी रेट, दैट्स टू मच, तो इसलिए यहाँ पे मैंने यूज़ नहीं किया। एनीवे लग जरूर सकता है, आप सोचिएगा अपने आप आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल, जैसे आपका जो टॉपिक है, टॉपिक में एक वर्ड है आपका इंटीग्रिटी, तो इंटीग्रिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रिटी के बारे में अभी आप इतना ही जानिए, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर मतलब 4-5 लेक्चर के बाद आपको और भी ज़्यादा इंटीग्रिटी पे सवाल मिलेंगे। और एक चीज़ और, थोड़ा सा एकेडमिक हो जा रहा है वो जो टॉपिक है, अगेन एथिक्स का जो लास्ट ईयर का जो टॉपिक, लास्ट ईयर का जो इंटीग्रिटी वाला मॉड्यूल है वो आप जरूर देखिए। वो आपका 38 मिनट का वीडियो है, काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी रिसर्च करके वो बनाया गया है। इंटीग्रेटर आप यदि इंटीग्रिटी के बारे में यदि आप वो वीडियो देख लेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि आप कोई भी सवाल होगा इंटीग्रिटी के ऊपर जिसके बाद आपके पास फोडर मटेरियल ना हो वो सवाल करने का, वो कि आप उसको टैकल ना कर पाए। तो वो सवाल को आप ज़रूर देखिए, वो लेक्चर को आप ज़रूर देखिए। और अगेन फिर अब इस सवाल पर आते हैं, एक्सप्लेन हाउ लॉस ऑफ इंटीग्रिटी कैन लीड टू इनएफिशिएंसी, करप्शन एंड नेपोटिज्म इन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन विथ सुटेबल एग्जाम्पल्स। फ्रेमवर्क तो आपको पता ही है, सबसे पहले आप डिफाइन करेंगे इंटीग्रिटी, जैसे ही वर्ड आ गया आप एक लाइन तो भाई साहब डिफाइन कर ही दो, नहीं यदि कुछ नुकसान तो होगा नहीं आप वो डिफाइन करते वक्त, बिकॉज आपको रटा होगा तो मन में और भी पॉइंट्स हो जाएंगे, मिलेंगे ही मिलेंगे। और फिर इनएफिशिएंसी, करप्शन और नेपोटिज्म, ये तीन को हम लोग डेफिनेशन एक पैराग्राफ में, हर एक पैराग्राफ में डिफाइन करेंगे। सिंपल सा है, ज़्यादा कोई लोचे वाला है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, डिफाइन करते हैं इंटीग्रिटी को। अब जैसे एथिक्स था, तो मेरा ये हमेशा से रहा है, आदत रही या बीमारी बोलिए इसको आप, कि मैं हमेशा ना रूट वर्ड ढूंढ लेता हूँ और फिर वहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ। इंटीग्रिटी जो है वो इसका जो रूट वर्ड है वो इंटीगर है और ये लैटिन है। तो इसके साथ क्या हो रहा है, इसका मतलब होता है होल। तो आप ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि द वर्ड इंटीग्रिटी मीन्स has been or has been derived from the Latin word integer, which means the whole. It means to be honest, consistent in thought, speech and action. It eliminates the gap between what we think, say and act. ये इतना आप, ये हुआ इसकी definition और ये हुआ इसका ornamentation। मतलब कि एक लाइन डिफाइन करने में, एक लाइन ऑर्नामेंट देने में, एक या दो लाइन ऑर्नामेंट। इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेल्फ स्टैंडिंग फॉर समथिंग, मेंटेनेंस ऑफ आइडेंटिटी। ये हम आगे भी इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि व्हाट डू मीन बाय इंटीग्रेशन ऑफ सेल्फ। तो वो अभी के लिए बस यही, थिंक एस सी एंड एक्ट। यहाँ पे आप एक, ये वेन डायग्राम की स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, टाइपो है। तो यहाँ पे आप एक ये डायग्राम बना लीजिएगा, ठा ठा ठा, ये हुई आपकी इंटीग्रिटी, ठीक है। और बाकी आप जानते हैं, डब्बे में भरना क्या है, थिंक एक्ट एंड क्या था से, ये डब्बा में आधा नंबर, पूरी गेम आधा नंबर की, आधा नंबर मिलना है आपको। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो ये हुई इंटीग्रिटी की डेफिनेशन। इंटीग्रिटी की डेफिनेशन और भी अच्छी हो सकती है, और भी ऑर्नामेंटेशन होगा, आगे के लेक्चर में होगा, अभी के लिए आप इतना ही याद करिए। वो हम हमारा जो प्लान है, एक बार सिलेबस कंप्लीट करें, आपको बेसिक चीज़ों से बताएं, डैट इज़ लेवल वन, ठीक है। उसका जब सेकेंड राउंड में आएंगे, डैट इज़ राउंड टू, तब हम लोग ये जो लेवल है उसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, लेवल टू को। तो उस समय ये सब, स्टैंडिंग फॉर समथिंग, मेंटेनेंस ऑफ आइडेंटिटी, इंटीग्रिटी एज वर्च्यू, तो जो आप 38 मिनट का जो लेक्चर है जो लास्ट ईयर अपलोड हुआ था, वहाँ पर ये सारी बातें हैं। बट वो एक स्टेप आगे है, उसमें थोड़ी एकेडमिक बातें हैं, बहुत अच्छी बातें हैं
और यदि आप देख पाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत काफ़ी काफ़ी नॉलेजेबल है वो लेक्चर। फिर उसके बाद आप कैसे डायरेक्ट आ जाते कि लैक ऑफ इंटीग्रिटी से आपका इनएफिशिएंसी कैसे होता है। अब ये एक बहुत ही ज़्यादा मिथ है कि जी करप्ट पर्सन एफिशिएंट होता है। होता है क्योंकि आप गए 2 रुपये दिए, 2 रुपये तो नहीं आज के डेट में, 2000 रुपये दे दिए, 2000 रुपये दिए और वो तुरंत आदमी आपको निकाल के था ये सर लो जी ये सर्टिफिकेट वगैरह ये आपका काम हो गया। आप भी सोचे वाह वाह एफिशिएंसी 2000 रुपये ही तो लगे, बट ये मिथ है। एक करप्ट पर्सन जो है वो सिर्फ अपने लिए एफिशिएंट होगा और वो इंस्टीट्यूट का बैंड बजा देगा, वो जो इंस्टीट्यूट जो करेक्टर है उसको ही ख़त्म कर देगा। अब आपके पास है 2000 रुपये आपने दे दिया, अब जिसके पास ना हो वो फिर तो क्या करेगा, वो बंदा वही काम करेगा उसी में वो एफिशिएंसी शो कर रहा है जहाँ पे उसका अपना स्वार्थ है। जैसे उसका स्वार्थ गया वैसे ही इंस्टीट्यूट आपका इनएफिशिएंट हो गया। उसके बाद ये आपको जो आपका जो बेसिक इंस्टीट्यूट है उसकी जो करेक्टर ही वो ख़त्म कर देता है, बिल्कुल निशा नाबूद कर देता है। तो इसीलिए लैक ऑफ इंटीग्रिटी से इंस्टीट्यूशन की बैंड बच जाती है। लेकिन मेरा एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं यहाँ पे कुट करना चाहता हूँ। हुआ कि मैं एक बार कहीं पे मेरे को अप्लाई करना था तो मेरे को मेंस का मार्कशीट चाहिए था, मेंस का मार्कशीट वो यूपीएससी, जब आप मेंस दिया होता है तो यूपीएससी अपने आप देती है, एक उनका सेट फॉर्मेट होता है। तो मैंने फ़ोन किया यूपीएससी फ़ोन किया तो जी मैं था आउटसाइड ऑफ दिल्ली था, फ़ोन किया जी यही चाहिए। तो उन्होंने पूछा कि बेटे क्यों चाहिए, मैंने बता दी कि सर इसलिए चाहिए। ओके ठीक है, मैंने सुबह 10 बजे फ़ोन किया था, उन्होंने बोला कि अच्छा जी आप शाम 4:30 बजे तक आपका रेडी हो जाएगा। मैंने बोला कि सर मैं तो नहीं रहूँगा, क्या एक मेरी फ्रेंड है वो आके आपसे ले लेगी। बोलते जी ठीक है नो इशू, बस उसको एक आप लेटर पे लिख दीजिएगा कि ये और उसको मेल कर दीजिए, वो लेते आएगी तो हम कर देंगे। बोलिए ठीक है जी। फिर मैंने 4:30 बजे फ़ोन किया वहाँ पे कि सर थोड़ा सा ना जाम में फंस गई है, दिल्ली का जाम आपको पता ही है, तो कम से कम आधे घंटे लेट हो जाएगी। तो वो आदमी बोलता कोई बात नहीं ठीक है। वो जो मेरी जो फ्रेंड थी वो 5:10 पे पहुंची, उसने सर्टिफिकेट उस आदमी को दे दिया विदाउट एनी चार्जेज कुछ नहीं। फिर मैंने दोबारा उस आदमी को फ़ोन किया कि सर थैंक यू वेरी मच। फिर उन्होंने मैंने उनसे नाम पूछा, उन्होंने अपना नाम बताया फरीद सर काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं यूपीएससी, पहले थे यूपीएससी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल डाउन टू अर्थ आदमी और आईएएस ऑफिसर। तो जब आप ये सब चीज़ें और ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ बिकॉज ये इंटीग्रिटी को शो करता है। ये बताता है कि एक आदमी यदि इंटीग्रेट है बिकॉज अपने सेल्फिशनेस के कारण, वो सिर्फ उसका एक ही काम है कि लोगों कैसे भला हो, कैसे इंस्टीट्यूट का नाम अच्छा हो। तो कितना अच्छा, ये इंसिडेंट कम से कम 3 साल पुराने की बात है लेकिन मैं हमेशा कोट करता हूँ, एक आदमी ने कैसे अपना एफिशिएंसी दिखा रहा है, ना अपना बल्कि इंस्टीट्यूट का, वो एक टाइमलाइन दे रहा है कि बेटा आपका हो जाएगा और प्लस ये भी नहीं रुक भी रहा है, 5 बजे के बाद 5:10 तक उस आदमी ने वेट किया है। तो हैट्स ऑफ टू हिम। तो इसलिए ये है, तो लैक ऑफ इंटीग्रिटी से इनएफिशिएंसी तो आएगी। बाकी आप एग्जांपल, अपना पर्सनल एग्जांपल भी इसमें आप कोट कर सकते हैं कि मेरे साथ ये हुआ था जी, मैं गया कुछ भी, आप अपना एग्जांपल कोट कर दे, रेलवे स्टेशन से लेके बस पुलिस स्टेशन, बहुत सारे आपके जीवन में अनंत एग्जांपल होंगे, आप सोचिए बहुत मिल जाएंगे। फिर हिपोक्रेट, लैक ऑफ इंटीग्रिटी से क्या होगा, जिस आदमी के पास इंटीग्रिटी नहीं है, जो आदमी अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता है, तो वो क्या करेगा, वो चमचाई मारेगा कि सर आप ही आप हो, आपके अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो उससे क्या होगा, वो सिर्फ चमचाई मारेगा, काम तो करना नहीं, डजंट टेक ए स्टैंड, इंटीग्रिटी नहीं है तो फिर उसने स्टैंड लेना ही नहीं, वो रूल बुक भी फॉलो करे ना करे, वो सिर्फ ना ही बोलेगा ये काम करना है जी, ना हो ही नहीं सकता। और जब भी बोलोगे कर लो तो वो कभी अपना स्टैंड ले, वो हमेशा से ऊपर की तरफ देगा, ऊपर से आ गया ऑर्डर तो कर देगा, नहीं करेगा नहीं आएगा तो नहीं देखेगा। तो उससे क्या होगा, जब समय पर काम करेगा नहीं, स्टैंड लेगा नहीं, तो इनएफिशिएंसी बढ़नी है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले मैं 2 मिनट जो ये मैंने कार्यक्रम किया है इसको थोड़ा सा साफ कर लूँ, ये रहा। तो उसके बाद है आपका लैक ऑफ इंटीग्रिटी लीड्स टू करप्शन, इंटररिलेटेड ही है एक दूसरे से, मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है। कुछ है जैसे शॉर्टकट इज बजवर्ड, आजकल सभी बोलते हैं कि जल्दी से जल्दी कर लो, टाइम लगता है यार, क्वालिटी यदि आप जब डिलीवर कर रहे हो तो उसके लिए टाइम लगता है। उसके बाद चलता है एटीट्यूड, ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है, कोई ना रूल फॉलो करना ना कुछ करना, जुगाड़ एटीट्यूड लगा रहे हैं, बस चल जाए काम हो जाए, बाकी चीज़ें तो दिखती रहेगी।
तो इससे क्या होगा, इससे करप्शन होगा, होगा क्वालिटी आपकी सफ़र कर रही है, जो बंदे क्वालिटी सफ़र करेगा वो काम होना चाहेगा, वो फिर अपना पैसा क्वालिटी के लिए जो यूज़ होता है वो अपने जेब में डालेगा। प्रेजिंग क्राफ्ट बॉसेस, यही हाइपोक्रेट से आ जाता है आपका। पब्लिक मनी की मिसयूटिलाइजेशन, लैक ऑफ इंटीग्रिटी रहेगी, चलता एटीट्यूड, ये सारे इंटरलिंकेजेस हैं एक दूसरे से, एक के दूसरे के तीसरे, तीसरे के चौथे। फिर आपका ये नेक्स्ट टॉपिक पे, लैक ऑफ इंटीग्रिटी लीड्स टू नेपोटिज्म, हैंडलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन। IAS ऑफिसर हो, आपको पता चल रहा है कि जी यहाँ पे इंडस्ट्री लगने वाली है, आपने अपने भाई को बोल दिया कि जी ज़मीन खरीद ले, रेट महंगे होने वाले हैं, ख़त्म, वहीं पे भाई भतीजाबाद। फेवरिंग हिज नोन, वही जॉब में, हर एक जगह जॉब में यार, जॉब में, टेंडर में, लैंड एक्विजिशन में, सर्विस डिलीवरी में, हर एक जगह आपका आता है। फिर एक आता है आपका इनसाइडर ट्रेडिंग, ये भी आपका वही स्टॉक के बारे में बता दिया कि ये चीज़ कंपनी के लॉस में जा रही है तो ये स्टॉक बेच दो, कंपनी गेन में जा रही है तो इसके लिए तो सेबी ने अपना स्ट्रिक्ट रूल बनाया हुआ है। बट एनीवे, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा पॉइंट सिर्फ इतने ही मैंने दिए हैं, आप भी अपने से सोचेगा तो काफ़ी आप भी पॉइंट निकाल सकते हैं, कमेंट सेक्शन में डालिए ताकि दूसरे बंदे को भी हेल्प हो और आपका भी नॉलेज बढ़े। क्योंकि कंपटीशन सिर्फ आप ये मत समझिए, आपका कंपटीशन 15,000 लोगों के साथ है, ये बात हमेशा याद रखिए। तो जब भी आप शेयर करेंगे तो आप पक्का गारंटी कुछ ना कुछ गेन करेंगे ही करेंगे। तो शेयरिंग एंड गेनिंग के प्रिंसिपल पर चलते हुए कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपको बहुत पॉइंट मिलेंगे। और मैंने सिर्फ इतने ही लिखे हैं बिकॉज एक रीज़न, आपको एक मैं सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन ऐसे टैकल करना है। कंटेंट मैंने पहले लेक्चर में बोला था, कंटेंट की कमी नहीं होगी आपके पास जब आप अखबार ही पढ़ेंगे। तो एक फ्रेमवर्क का यही था, पहले चैप्टर में आप ये इंटीग्रिटी बताएंगे, फिर उसके बाद हर एक दो तीन चार पैराग्राफ, दो पेज इस या फिर यदि एक्सप्लेन करना हो तो इसके दो पैराग्राफ, यदि नंबर ज़्यादा हैं तो उससे ज़्यादा ना आपकी हिम्मत है और ना मैं समझता हूँ आपके पास टाइम होगा उससे ज़्यादा लिखने का। चलिए आगे आते हैं। फिर एक और आ जाता है, एक और आपका, जैसे आप जब सिलेबस याद रखिए तो इंटीग्रिटी के बाद एक और आपका टॉपिक उसमें आपको दिखेगा, ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑब्जेक्टिविटी जो है इसको आपको डिफाइन कर, मतलब मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको एक एक वर्ड की डेफिनेशन याद होनी चाहिए। कुछ नहीं, कम से कम 50 वर्ड होंगे यार, 50 वर्ड का डेफिनेशन तो आदमी वैसे ही रट्टा मार लेता है। 50 वर्ड को आप मतलब डिफाइन डेफिनेशन रट्टा मार लो, बाकी उसके एस्पेक्ट देख लो, आपका एथिक्स तैयार हो जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे वर्ड था ऑब्जेक्टिविटी, इस पर एक सवाल बनाया है आप लोगों के लिए। एक्सप्लेन विथ एग्जांपल इज दैट हाउ ऑब्जेक्टिविटी इज एसेंशियल इन सिविल सर्विसेज येट नॉट ऑलवेज डिजायरेबल। ये मैं सोच रहा हूँ कि ये अभी तक पूछा नहीं है इसके ऊपर UPSC ने, तो पूछ सकती है ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर। एनीवे गला सूख रहा है। तो इसका फ्रेमवर्क डेफिनेशन ठीक है, पहला डेफिनेशन ही रहेगा भाई, चाहे आप कुछ भी कर लो, मेरा तो यही रहने वाला है। When it is desirable, yet not always बोला है ना, always बोला है, तो कब है और कब ये अच्छा गवर्नेंस लेता है और कब नहीं है, बस एग्जाम्पल देते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिविटी होता क्या है, ऑब्जेक्टिविटी होती है आपकी एबिलिटी, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू जज फेयरली विदाउट बायस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये होती है ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। और मतलब कि आप एक सिचुएशन को आपके पास आया, आप बिना किसी पर्सनल फीलिंग, बिना किसी प्री कंसीव्ड नोशन के साथ सिचुएशन को डील करना। यदि भाई है तो उसको भी एक ही उसमें देखना है, यदि राम है तो भी उसको भी ठीक ढंग से ट्रीट करना है, रावण है उसको भी ठीक ढंग से करना है। आपके पास ये पावर नहीं है एज अ ब्यूरोक्रेट कि आप जज करो कि ये राम है कि ये रावण है, आप मेरिट के आधार पर काम करोगे। तो डैट इज ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का आप हिंदी में टाइप करिए कि हिंदी का मीनिंग क्या है, काफ़ी अच्छा मीनिंग है, मैं बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे, टाइप करिए, कुछ काम तो आप भी करो यार, तो वहाँ पे आपको मिलेगा डेफिनेशन। इट इज एबिलिटी ऑफ जज फेयरली विदाउट बायस और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, ये आपकी एबिलिटी प्रजेंट, ये आपने इनकलेट करनी है। विदाउट दिस आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट बन ही नहीं सकते हो, आप हमेशा किसी न किसी
प्री कंसीव्ड नोशन से ग्रसित रहोगे, तो ये चीज़ें फेयरली विदाउट बायस और ये एक लाइन का आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। पर्सनल ओपिनियन ऑब्जेक्टिव डिसीजंस आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स और ओपिनियंस इन कंसिडरिंग और रिप्रेजेंटिंग फैक्ट्स, इट डिजाइन टू अचीव सर्टेन स्पेसिफिक एंड्स, ये हो गया ठीक है, ये हुआ ऑब्जेक्टिव ये डिसीज ऑर्नामेंटेशन अगेन। तो अब आगे आते हैं ऑर्नामेंटेशन, अब आगे बढ़िया, कब ये डिजायरेबल है, जब आपको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है, जब आपको डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन फॉलो करना है, जब आपको न्याय करना है, जब आपके पास कोई भी आता है तो उसको आप तर मेरिट पे आपको काम करना है, तब ये डिजायरेबल है। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं, दीजिए एग्जांपल, सोचिए और दीजिए। फॉर एग्जांपल जैसे क्या सोच सकते हैं एग्जांपल, कि जैसे आपको लैंड एक्वायर करना है, आपको ऑब्जेक्टिव ही रहना है, जैसे आपको टेंडर डिस्पोज करना है, किसी को टेंडर देना है तो आपको ऑब्जेक्टिवली देना है, नौकरिया के लिए विज्ञापन देना है ऑफकोर्स। तो ये सब चीज़ें लॉज है, रूल्स है, रेगुलेशन है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन की कैरिंग है, मेरिट पे आप जज करोगे, उसके बाद मेरिट हो गया, बस यही चीज़ें हैं, तब आपकी डिजायरेबल है, ये डिजायरेबल तब आपकी नेसेसरी है। आपको डिजायरेबल के अलावा ना एक और वर्ड ले लीजिए, नेसेसरी, व्हेन इट इज नेसेसरी, यदि आप नहीं करोगे तो आपको पता ही है कि आपके साथ क्या होगा, टांग दिए जाओगे। उसके बाद फिर आपका आता है हाउ इट लीड्स टू बेटर गवर्नेंस, यहाँ पर मैंने लगाया है 6E के बारे में आपको शायद पहले बताया होगा, यदि नहीं बताया है तो 6E का मतलब होता है इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, एक सेकंड, इफेक्टिवनेस, इक्विटी, इथोस और इन सब का सबसे एक्सीलेंस गवर्नेंस, ये होता है 6E को प्रमोट करेगा, इकोनॉमी, यस इकोनॉमी को बनेगा, एफिशिएंट होगा, इफेक्टिव होगा, इक्विटी प्रोवाइड करेगा, इथोस मतलब कि आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसका वैल्यू को प्रमोट करेगा, तो ये हुआ 6E, तो इसलिए वो बेटर गवर्नेंस को डील करेगा, मतलब कि अचीव करेगा। इसको आप अलग अलग, इसको ये मतलब वहाँ पे 6E लिख के एक ही पॉइंट मत लिख देना, ये आपके 6 पॉइंट हैं और इसको आप इलेबोरेट कर सकते हो, ये मैं 6E, ये नहीं कि वहाँ भी 6E लिख के आ गए कि ना, ये आप हर एक का एक एक पॉइंट है और एक एक एग्जांपल आप इसमें आराम से दे सकते हो कि कैसे। उसके बाद रूल ऑफ लॉ, जो कि बताया ही था ये सब होगा, तो रूल ऑफ लॉ, वर्क कल्चर, वही वर्क कल्चर मैंने क्यों यहाँ पे यूज़ किया, बिकॉज मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा था, मैंने सिलेबस महाराज को याद किया, सिलेबस महाराज ने बोला कि बेटा वर्क कल्चर तो लिखे ही नहीं, तो वर्क कल्चर मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद और भी यदि कुछ आपको लगता है कि सिलेबस महाराज को आपको बताना चाहिए तो सोचिए यार, सोच लो ना बेटर गवर्नेंस कैसे होगा, यहाँ पे जैसे ये था आपका ऑब्जेक्टिविटी, कैसे करोगे आप इसको, तो कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, कोड ऑफ एथिक्स को इम्प्रूव करेगा, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका कोड ऑफ कंडक्ट हो गया, कोड ऑफ एथिक्स हो गया, ट्रांसपेरेंसी, ये तो अकाउंटेबिलिटी पर वो करेगा, देख रहे हो, इसके एग्जांपल, ये पॉइंट है, एग्जांपल दे दो कैसे करेगा, आपके आपका आंसर कंप्लीट है, तो उसके वाला आपको कहीं और भागने की जरूरत ही नहीं है। ये रब क्यों नहीं हो रहा, सॉरी, पता नहीं कुछ एरर आ गया, चलिए छोड़िए। तो उसके बाद अब आप आपका आता है कि वेयर इट इज़ नॉट डिजायरेबल, कब डिजायरेबल नहीं है, जो क्वेश्चन था इसमें और पॉइंट आप लिखिए, मैंने सिर्फ 5 ही लिखे हैं। व्हेन एम्पैथी कम्स इनटू द पिक्चर, ब्यूरोक्रेसी क्या करती है, ब्यूरोक्रेसी ना हमेशा माइंड से काम लेती है, वो मेरिट पे देखती है, वो रैशनैलिटी लाती है, जरूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है, बट हर एक जगह नहीं, कई जगह आपको एम्पैथी लाना पड़ता है, जब आप पुअर के साथ डील कर रहे होते हो, वहाँ पे आप रीजनिंग नहीं अपनाते हो, वहाँ पे आप इमोशन से काम करते हो, जब आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स करते हो तब आप थोड़ा बहुत लीवे देखते हो कि हाँ ठीक है, बट एक ही है, यदि आप लीवे कर रहे हो तो अपने सीनियर जो है उसको लूप में रख लो, आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, कि आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि बस मेरा काम है कि इसको हेल्प करना है, आप लीवे देख रहे हो तो फिर आपका आपके ऊपर कोई आँच नहीं आएगी।
उसके बाद आपका इम्पोजिंग कब नहीं है, जब इम्पोजिंग सेम फाइन और रिच एंड पुअर करते हैं यार। अब जैसे किसी ने रेड लाइट जंप कर लिया, कोई गरीब बंदा है उसको, वैसे तो मत करो, उसको भी 2000 रुपये, और कोई ऑडियो में जा रहा है उसको भी 2000 रुपये, बहुत नाइंसाफ़ी है। लेकिन कब डिजायरेबल नहीं है, जब 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 कोई बंदा रेड लाइट इसलिए जंप कर रहा है बिकॉज उसका कोई ना कोई फैमिली मेम्बर एम्बुलेंस में है या फिर गाड़ी में और उसको हॉस्पिटल पहुँचाना है, तब तो आप, तब वो ऑब्जेक्टिविटी आपकी डिजायरेबल नहीं है, तब आपको थोड़ा बहुत देना पड़ेगा कंसेशन की नहीं ठीक है, सिचुएशन यही डिमांड करती है। डिफरेंट टैक्स, इसीलिए गवर्नमेंट डिफरेंट टैक्स स्लैब लगाती है कि आप कमा रहे हो तो ये नहीं कि 30% गरीब भी देगा 30% अमीर भी देगा, ना। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिविटी ये सब जगह पे डिजायरेबल नहीं है। और क्या एग्जांपल दे सकते हो कमेंट सेक्शन में तो लिखना ही, मैं भी सोच रहा हूँ और क्या दे सकते हो आप, और आपकी कहाँ पे डिजायरेबल नहीं है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी डिजायरेबल नहीं है जब आप, अब जैसे हाँ डिप्लोमेसी का आ जाओ, डिप्लोमेसी में एक वर्ड है गुजराल डॉक्ट्रिन। पहले क्या था हमारी पॉलिसी, पहले हम गिव एंड टेक में विश्वास करते थे अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ, ठीक है, कि हमें क्या मिलेगा तब और तुमको उतना ही मिलेगा, यदि हम इतना दे रहे हैं तो तुमको क्या मिलेगा। गुजराल डॉक्ट्रिन बोलता है ना, इतना ज़्यादा रैशनल और ऑब्जेक्टिव क्यों बन रहे हो आप, लाओ कि हमारा, यदि हम बिग प्लेयर हैं, ये रहा इंडिया का मैप थोड़ा सा गलत बना है, यदि हम बिग प्लेयर हैं तो हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए अपने नेबर कंट्रीज़ के प्रति, और हमेशा गिव एंड टेक में नहीं होना चाहिए, हमें ज़्यादा दें, यदि वो कम भी देते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से जितना दे रहे हैं उस हिसाब से होना चाहिए। तो IR में भी आप फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा आंसर बन गया, ये बैठे बैठे आया है मेरे इसी, यही मैं बोल रहा हूँ कि आप पढ़िए आंसर सोचिए तो आपके आंसर अपने आप ही बनने लगेंगे, कोई घबरा, एथिक्स का पेपर या GS 1, 2, 3, 1 को छोड़ के 2, 3, 4 में घबराने वाली बात ही नहीं है, आप बिल्कुल मत घबराइए। तो ये एग्जांपल आपको अपने आप याद आने लगेंगे, घबराइए मत उसके लिए। तो फिर लास्ट लाइन, देयरफॉर वी कैन से दैट दो इट इज एसेंशियल बट नॉट ऑलवेज डिजायरेबल, इसके बाद एक दो लाइन और भी लिख सकते हैं, एंड वी नीड टू सी दी मोटिवेशन, समथिंग लाइक दैट, आप खुद ही समझदार हो, कुछ इस टाइप का जिस पे आपका पॉजिटिव एंडिंग हो रहा हो। जैसे ही आप अपने आंसर को पॉजिटिव एंडिंग करेंगे तो आपका आंसर अच्छा ही होगा। तो इसी के साथ ये लेक्चर हुआ समाप्त, धन्यवाद। एक चीज़ में मैं बताना चाहता हूँ कि ये हम सिर्फ आपको फ्रेमवर्क दे रहे हैं, इस चीज़ को आप समझिए, हम बता रहे हैं कि आपको मछली कैसे पकड़ा जाता है, ठीक है। बाकी इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, आपको 5000 सवाल दे देंगे, किसी से आएगा, इससे कभी नहीं आता यार, कभी आएगा, कभी नहीं आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको मैंने मछली पकड़ने की विधि बता दी, इससे आप 5000 मछलियाँ पकड़ सकते हो, 5000 के आप इससे 5 करोड़ मछलियाँ पकड़ सकते हो, बट वो आप विधि जान लीजिए मछली पकड़ने की। तो ये सब सवाल जो हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम जो सवाल डिस्कस करें वही आए पेपर में, डैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कैसे आपने टैकल करना है, कैसे पैराग्राफ में लिखना है, कैसे अपने वर्ड को सिंपल रखने, और कैसे एग्जाम्पल के साथ करना है, और कैसे डेफिनेशन को रट्टा मारना है। दूसरी चीज़, खुश रहिए, एक चीज़ हमेशा खुश रहिए कि आप UPSC दे रहे हैं लोग, और ये बहुत कम लोग, ये इसकी जो प्रिपरेशन है ऐसी है कि ये इमोशनलिंग जो आपकी जो इमोशन है उसको ड्रेन कर देती है, बट हमेशा याद रखिए ये आपकी मर्जी है कि आप दे रहे हो, पहला। दूसरा, आप लकी हो कि आप दे रहे हो। तीसरा, आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हो डेली बेसिस पे, आपकी कांस्टेंट सेल्फ इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। और चौथा, यदि ना हो प्री या मेंस या इंटरव्यू कभी भी, तो ये याद रखना ये पेपर आपका IQ का नहीं है, ये पेपर है आपका EQ, और EQ आपकी हमेशा स्ट्रांग होगी। चलिए इसी के साथ मैं अपना लेक्चर ख़त्म करता हूँ, खुश रहिए, धन्यवाद, मुस्कुराते रहिए, टाटा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।